अलैकुम। आज मैंने बनाया है बिल्कुल होटल स्टाइल में गाजर का हलवा, वो भी गोंद और गाजर से। ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है, बिना शक्कर का हमने बनाया है। तो आप भी इसी तरह से इस ठंडी के मौसम में जरूर बनाइएगा, और हेल्दी चीज़ें खाइए ठंडी में, और हेल्थी बनी रहें। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैंने को लेना है, क्या क्या डालना है, कैसे बनेगा, कैसे इसका रेसो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, चलते हैं। चलिए आइए मेरे रसोई में, किचन में। यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग तो भी ठीक होंगी। तो अब देखिए ठंडी शुरू हो गया, गाजर भी भर भर के आने लगी, बहुत अच्छे अच्छे और रेड कलर के गाजर आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस ठंडी में ये हलवा जरूर बनाए, बहुत हेल्थी है। इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर लिया है, और गाजर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी गाजर की पतली सी वो लिया है। और उसके बाद हमने लिया, यहाँ पे देख सकती हैं, 20 बादाम लिया, इस तरह से हमने काट लिया, और 20 से 25 काजू इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है। और 2 टेबल स्पून हमने लिया है किशमिश, और यहाँ पे लिया है 50 ग्राम गोंद, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं आप देख सकते हैं ये। और घी है मेरे यहाँ पे, घी है, देसी घी है, हम देसी घी में बनाएंगे। और यहाँ पे 1 लीटर दूध है, उबला हुआ दूध है। और यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है, और इसमें डालूंगी घी, और घी में गोंद को फ्राई करूंगी। यहाँ पे देखिए घी गरम हो गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके घी में गोंद डालूंगी और इसको जो है फ्राई करूंगी। ये बहुत अच्छे से फूल जाता है, और इस गोंद का भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा डालिए, हमने थोड़ा घी डाला है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाली हूँ। अब इसको हो गया है, देखिए फूल गया है, तो इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गोंद हो गया फ्राई, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दबा के। ये देखिए एकदम, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल हो गया है पॉपकॉर्न की जैसे फूल गया है। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी भून लिया है, और ये बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो है ये भी फ्राई हो चुके हैं गोंद। तो यहाँ पे देखिए हमारे गोंद फ्राई हो चुके हैं, तो हमने काजू बादाम किशमिश भी फ्राई कर लिया, और मेरे गोंद भी हो गए। इसी कढ़ाई में देखिए हमने वापस से 2 टेबल स्पून घी डाला है, और अब इसमें डाल दूंगी मैं अपनी गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखे हैं। इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे। यहाँ पे देखिए कढ़ाई छोटी पड़ रही है, पतीले में डाल दिया है। अब इसी में हम जो है 5 से 6 मिनट ऐसे ऐसे भुनाई कर लेंगे घी में, ताकि इसका जो थोड़ा सा जो खुशबू हो निकल जाए। अब यहाँ पे कढ़ाई में क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी, और इसमें डाल दूंगी मैं अपने मारे जो हमारे पास से देखिए 250 ग्राम है, वजन से ही पूरा 250 ग्राम है। मैंने रेडीमेड लिया है, तो मेरे पास रखा हुआ था फ्रीज में, तो मैंने वो डाल दिया है। और इसको लो फ्लेम से अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, और ये फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, वो डाल दूंगी। तो यहाँ पे गोंद ठंडा हो गया, तो मैं इसको इस तरह से नानदस्ते की वो जो उखली होती है ना, उसके जो है उससे मैं इसको इस तरह से कोट लूंगी। देखिए इसको जो है थोड़ा सा बारीक कर लूंगी। तो जब ये आता है ना दांत में, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मोटा मोटा करिएगा तो फिर बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो चलिए मैं इसको इस तरह से कूट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट हो गया, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसकी जो है कोए की भुनाई होती है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, 1 बड़ा चम्मच जो दाल जिससे हम निकालते हैं ना, वही चम्मच से भर के ये देखिए दूध डाल देंगे। अब इससे ही अपनी रबड़ी बन जाएगी, और इसी में डाल देती हूँ मैं 2 टेबल स्पून जो हमने क्रश करके रखा है गोंद, वो डाल देंगे। आधा इसमें डाल देंगे, आधा मैं हलवे में डाल देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया, बिल्कुल मेरी रबड़ी ये देखिए तैयार हो गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसे है ना, तो ये रबड़ी मेरी बन चुकी है। तो हमने कर दिया गैस को बंद, ये बाकी ठंडा होगा तो और ये जम जाएगा, मतलब कि गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है दूध की क्रीम, यहाँ फ्रीज में रखती हूँ, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये जो है डाल दूँ इतने सारा, बहुत ज़्यादा से मैं डालती हूँ क्रीम इसमें। अगर आपके पास आप दूध नहीं डालना चाहते, तो इस तरह से आप क्रीम डाल दीजिएगा, दूध की जगह आपको दूध लेती है तो क्रीम तो इंशाल्लाह निकालते ही होंगे आप लोग, तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा क्रीमी टेस्टियर आएगा आपके इसमें गाजर के हलवे में। तो यहाँ भी देखिए दूध अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, यानी पूरा ये जो है सोख लिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसी में भुनाई करूँगी। तो इससे पहले कि मैं इसमें डालूँगी गुड़, गुड़ मैं डाल रही हूँ इस कप से, आधा कप है,
और टेबल स्पून समझ लीजिए 4 से 5 टेबल स्पून हैं। खाने वाला तो हम जैसे खाना खाते हैं, हम गुड़ में बना रहे हैं, बहुत हेल्दी होता है, आप भी गुड़ में ही बनाइएगा गाजर का हलवा। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून वापस से रखी हूँ, तो ये मावा है, मावे में अब डालूंगी मैं गुड़, गुड़ 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिला लूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 टेबल स्पून कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने 5 उसमें डाला, 1 इसमें डाला है, तो ये हो गया टोटल 6 टेबल स्पून। तो मेरा अच्छे से बहुत अच्छा मीठा हो जाएगा। हमने अपना पानी छोड़ा, ये थोड़ा सा वापस से पतला हो गया, तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा से लो फ्लेम पे पका दूंगी, ताकि अच्छे से थोड़ा और जो है रबड़ी बन जाए। यहाँ पे देखिए गाजर भी है, गाजर में भी गुड़ ने अपना पानी छोड़ दिया, वापस से फिर इसमें से देखिए पानी अच्छे से हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब इसको भुनाई करूँगी मैं। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ गुड़, जो हमने गुड़ को फ्राई करके रखा है ये डाल देंगी, मैंने सारे इसमें गुड़ डाल दिया है, और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं वो भी डाल देंगे, थोड़ा सा निकालेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। ये देखिए मैंने सारे डाल दिए, तो यहाँ पे देखिए भुनाई हो चुकी है, अब घी छोड़ दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं केवड़ा जल 1 चम्मच, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अगर आपको गुड़ में पसंद है तो बनाइएगा, नहीं तो आप चीनी में इसी तरह से बना सकती हैं, आप मीठा कम ज़्यादा कर सकती हैं। ओके, तो चलिए 2-3 मिनट और पका लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे गाजर के हलवा बनकर रेडी हो चुके हैं, मैंने गैस को कर दिया बंद। यहाँ पे हमने इस तरह से थाल ले लिया है, अब मैं इसे में रखूंगी जिसे हलवाई लोग रखते हैं, तो चलिए मैं इसमें निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने थाल में निकाल लिया, आप सोच रहे होंगे इसमें खोया भी बनाया इन्होंने डाला नहीं, अब डाल रहे हैं मैं खोया इस पे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इस पे चारों तरफ से डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा रेडी हो चुका है गाजर का यूनिक सा हलवा, वो भी टेस्टी और हेल्दी हलवा, तो दिख रहा है ना। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो सोना चांदी का वर्क जो भी आपके पास वो भी आप लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ काजू और बादाम से गार्निश कर दिया। तो चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो खलास, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन मानिए एक बार जरूर बनाइएगा इस ठंडी में प्लीज। चलिए अल्लाह हाफिज़।